बंगाल की खाड़ी में गुरुवार को एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। मौसम वैज्ञानियों के मुताबिक इस मौसम प्रणाली के चक्रवाती तूफान में परिवर्तन होकर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तट के बीच में टकराने के आसार है। इसके प्रभाव से दीपावली के अवसर पर मध्य प्रदेश में बादल छा सकते हैं, साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। बादलों के कारण रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। उधर बुधवार को प्रदेश में सबसे कम 14 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान रायसेन में दर्ज किया गया है। यह देश के जो है मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान भी रहा है। देश के 5 सबसे कम तापमान वाले शहरों में रायसेन 14, मंडला में 14.2, उमरिया में 15.1, जबलपुर सीकर नौगांव में 15.5 एवं चित्तौड़गढ़ में 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम संभागों के जिलों में काफी गिरे तथा शेष संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। उज्जैन संभाग के जिलों में जो है सामान्य से अधिक रहे तथा शेष संभागों के जिलों में सामान्य रहे। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय जो है शुक्ला ने बताया कि पिछले दिनों कोंकण के पास हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात के बनने से नमी आ रही थी, जिसके चलते बादल बने हुए थे।